नमस्कार दोस्तों, भाइयों, बहनों, आप सभी लोगों का सबसे पहले इस वीडियो में आने के लिए मैं स्वागत करता हूँ। दोस्तों, आप सभी को एक बात बता दूँ, यहाँ पर इंडिया देश के बिहार स्टेट से 4,500 वैकेंसियों पर CHO पोस्ट पर रिक्रूटमेंट आउट कर दी गई है। बिल्कुल आपने सही सुना है, 4,500 वैकेंसियों पर रिक्रूटमेंट डायरेक्ट इंडिया देश के बिहार स्टेट के अंदर स्टेट हेल्थ सोसाइटी बिहार इसके अंदर लोगों को रिक्रूट करेगा। टोटल 4,500 लोगों को वैकेंसियाँ देंगे। हालांकि ये पोस्ट कॉन्ट्रैक्चुअल है, मतलब कि आप सिर्फ कॉन्ट्रैक्ट बेस पर ये वैकेंसियाँ लेंगे। कॉन्ट्रैक्ट बेस मतलब कि आप अनंत काल मीन्स ये है कि आप लोग अपने 60 एज तक, सीनियोरिटी तक या फिर रिटायरमेंट तक परमानेंट नहीं है इस पोस्ट पर। आपको इतना याद रखना है, ये पोस्ट आप लोगों की सिर्फ 2 साल की वैकेंसी आई है, मतलब करीबन 2 साल लोगों को सिर्फ ये वैकेंसी करनी होगी, जॉब करनी होगी। 2 साल तक यहाँ पर आप कन्फर्म्ड हैं इधर जॉब पर। लगभग इन्होंने 18 से 20 महीने करीब कहा है, करीबन ये कह रहे हैं कि 18 महीने की ये जॉब है। 18 महीने के बाद आप लोगों को फिर सेकेंड कोई जॉब वगैरह ढूंढना पड़ेगा। अगर आपके पास इसकी क्वालिफिकेशन है, अप्लाई कर सकते हैं। ये डायरेक्ट हेल्थ के अंदर जाएगी वैकेंसी, मतलब कि बिहार स्टेट के अंदर जो स्टेट हेल्थ सोसाइटी के अंदर जो हेल्थ से जुड़े प्रोग्राम होते हैं, हेल्थ से जुड़ी चीज़ें हो रही हैं, उसके ऊपर ये वैकेंसी हैं। टोटल वैकेंसी 4,500 है, मतलब 4,500 लोगों को जॉब मिलने जा रही है स्टेट बिहार में, हेल्थ डिपार्टमेंट में। पोस्ट का नाम है CHO। ये एक ऑफिसर पोस्ट है, इसके बारे में मैं आपको बताऊंगा। इसके लिए नोटिफिकेशन आउट हो गया है आप लोगों का आज, यानी कि 9 मार्च को, और इसका फॉर्म चालू होना है 1 अप्रैल से। बिल्कुल भाई, 1 अप्रैल से फॉर्म चालू होगा आपसे। देखिए, मैं 20 दिन पहले इसको कवर करके दे रहा हूँ कि आपका नोटिफिकेशन, अभी काफ़ी समय है इसके अंदर, तो आप अप्लाई कर लेना। CHO पोस्ट है, पूरा इंडिया इस पर एलिजिबल है, ठीक है जी। कोई डाउट रखता है कि भाई इंडिया एलिजिबल है या नहीं है, तो मैं यहाँ क्लियर कर देता हूँ, पूरा इंडिया एलिजिबल है। इंडिया से कोई भी, कहीं से भी जाओ, इंडिया इंडिया देश में किसी भी जगह से बिहार में जाके ये वैकेंसी ली जा सकती है। आप अरुणाचल प्रदेश से जाओ, कर्नाटका से जाओ, असम से जाओ, मेघालय, मणिपुर से जाओ, इंडिया देश के किसी भी स्थान से, किसी भी जगह से डायरेक्ट बिहार में जाके आप ये वैकेंसी ले सकते हो। एक चीज और कहूंगा, ये वैकेंसी आई है आपकी बिहार स्टेट में, तो इतना याद रखना है कि आप लोगों को जनरल से वैकेंसी लेनी है। अगर आप दिल्ली, यूपी, हरियाणा, कर्नाटका और महाराष्ट्र, गुजरात और इन जगहों से अगर जा रहे हैं, मतलब बिहार के बाहर से अगर जाते हैं वैकेंसी लेने, तो याद रखें जनरल से लेने जाना, मतलब कि और किसी रिजर्वेशन से ये वैकेंसी आपको नहीं मिलेंगी। रिजर्वेशन का फ़ायदा सिर्फ स्टेट गवर्नमेंट अपने ही, मतलब स्टेट जो बिहार के लोग हैं उन्हीं को देगी, क्योंकि ये वैकेंसी स्टेट गवर्नमेंट में आई है, मतलब कि जो आपके बिहार गवर्नमेंट है उनके द्वारा नोटिफिकेशन आया है। जैसे कि आप यहाँ पर अपने CM की इमेज देख पा रहे होंगे, तो क्लियर हो पा रहा होगा कि ये नोटिफिकेशन, ये रिक्रूटमेंट स्टेट गवर्नमेंट करवा रही है। आप देखेंगे इसके बारे में उन्होंने बताया है कि ये जो वेबसाइट आप देख रहे हो ना, ये बिहार स्टेट की स्टेट हेल्थ सोसाइटी की वेबसाइट है। बेसिकली पूरे स्टेट भर में जो हेल्थ से जुड़े हुए वर्क हो रहे हैं, वो सारा कुछ, अगर कुछ भी आएगा, मतलब बिहार स्टेट के अंदर अगर स्टेट गवर्नमेंट कोई भी हेल्थ से जुड़े हुए कोई भी काम करवाएगी या होंगे, कहीं चाहे वो वैकेंसियाँ हों, एग्जाम हो या कुछ भी हो, तो वो इस वेबसाइट पे आपका आता है। इसको आप लोग अपने पास सेव करके रख सकते हो वेबसाइट, जिससे कि आने वाले हर रिक्रूटमेंट इस वेबसाइट से आपको पता लग रखते रहें आपके बिहार स्टेट में हेल्थ सोसाइटी के अंदर, ठीक है जी। हेल्थ सोसाइटी के अंदर वैकेंसी सारी इधर मिलेंगी। आपको बता दूं, मैं आपके साथ नोटिफिकेशन डिस्कस कर रहा हूं इस वीडियो में, जो कि 4,500 लोगों को जॉब मिलेगी। CHO पोस्ट का नाम है, ऑफिसर पोस्ट रहेगा ये। वैकेंसी आपकी टेम्प्रेरी पोस्ट है, यानी मतलब कि आपको सिर्फ 18 से 20 महीने जॉब करनी है, उसके बाद ये हो सकता है आपका एक्सटेंड हो जाए 2 साल 3 साल, और आपका टर्म्स जो है वो बढ़ जाए, ऐसा हो सकता है। ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है, ठीक है जी। तो आपको इस वीडियो में पूरा नोटिफिकेशन, एलिजिबिलिटी क्या है, क्वालिफिकेशन क्या है, कितना सैलरी मिलेगा, सिलेक्शन कैसे होगा, कब से कब तक फॉर्म भरेंगे, फॉर्म फीस क्या होगा, कितनी वैकेंसी रिजर्वेशन वाइज है, सारी चीज़ें, क्या क्वालिफिकेशन चाहिए, एक एक चीज़ बताने वाला हूँ इस वीडियो में। फॉर्म भरने से लेकर आपको वैकेंसी मिलने तक का सारा प्रोसेस इस वीडियो में कवर होगा, तो ध्यान से समझ लेना। जितने भी इंडिया के लोग इस वीडियो में आए हैं, आपके लिए वीडियो खास है, सिर्फ इंडिया के लोगों के लिए खास लाया हूँ मैं ये वीडियो, तो ध्यान से देख
लेना, समझ लेना और आगे लोगों तक सर्कुलेट कर देना, पूरे इंडिया में, पूरे विश्व में लोगों तक जरूर पहुंचाना इस बात को, ठीक है जी। आप वेबसाइट पे जैसे ही आओगे आपको एडवर्टाइजमेंट और नोटिस बोर्ड दो ऑप्शन दिखेंगे, आपको एडवर्टाइजमेंट पर टिक करना है, यहाँ पर फिर आपको वैकेंसियाँ दिखने लग जाएंगी, ठीक है। तो आप खुद से भी यहाँ से देख सकते हैं लिंक, वेबसाइट नोटिफिकेशन देख सकते हैं। जैसे आपको दिखाता हूँ, मैं आया नोटिस बोर्ड पर, फिर मैं एडवर्टाइजमेंट पे आया और एडवर्टाइजमेंट पे आने के बाद मैंने एक बार वेबसाइट को रीलोड कर दिया कि भाई रीलोड होके हमें दोबारा सही से दिख जाने वाली है कि क्या कुछ यहाँ पर आया हुआ है। तो आप देखोगे तो यहाँ पर आपके लिखे हुए हैं, दो नोटिफिकेशन आए हैं, इसमें से एक तो वॉक इन इंटरव्यू की अलग वैकेंसी आई है, वो हम डिस्कस नहीं कर रहे हैं, हम डिस्कस कर रहे हैं ये वाला नोटिफिकेशन। देखिए, एप्लीकेशन इन्वाइट करिए कम्युनिटी हेल्थ ऑफिसर, ठीक है, ये कॉन्ट्रैक्ट बेस पर पोस्ट है लेकिन ये स्टेट के हेल्थ NHM में जाएगी, ये हेल्थ नेशनल हेल्थ मिशन में वैकेंसी आई है। NHM की पूरे इंडिया में बहुत वैकेंसी आती रहती है। अगर मैं बात करूँ तो NHM जो है ना, साल भर में, पूरे ईयर भर में, पूरे ईयर के अंदर लगभग 1 लाख से ज़्यादा लोगों को, इससे भी ज़्यादा लोगों को रिक्रूट कर लेता है। मतलब हर महीने NHM की वैकेंसी आती रहती है, कभी बिहार में आ रही है, कभी असम में आ रही है, कभी वेस्ट बंगाल में आ रही है, कभी त्रिपुरा में आ रही है, अलग अलग जगह पर, पूरे इंडिया में, अलग अलग स्टेट UT में NHM वैकेंसी निकालता रहता है पूरे साल भर में। लगभग आप ये मान सकते हैं पूरे पूरे ईयर में लगभग 1 लाख लोगों को रिक्रूट कर लेता है NHM अपने वहाँ पर, अलग अलग प्रोग्राम्स के लिए, हेल्थ मिशन से जुड़े हुए पूरे ईयर में लोगों को इंडिया, पूरे इंडिया में रिक्रूट कर लेता है। तो कहीं ना कहीं NHM में भी अच्छी वैकेंसी के चांसेस हैं, अगर लेना चाहो तो जरूर लेना, ठीक है जी। तो इस वीडियो में हम आपके साथ नोटिफिकेशन डिस्कस करेंगे, एक एक चीट डिस्कस करेंगे, एक एक पॉइंट यहाँ पर कवर करेंगे, तो आपके लिए वीडियो खास है, तो ध्यान से सुनिए और समझिए, ठीक है जी। जो भी दूसरे कंट्री से सुन रहे हैं, आपसे यही कहूँगा कि इंडिया के लोगों तक शेयर करना, इस जानकारी को पहुँचाना, और सब्सक्राइब वगैरह, कमेंट वगैरह कर सकते हो, सब्सक्राइब करना हो तो कर लेना, और जो भी आपका मन करे, वो जो भी आपका डाउट लगे इस रिक्रूटमेंट से जुड़ा, कमेंट में ज़रूर बता देना, ठीक है जी। चलिए, तो हमारे डायरेक्ट यहाँ पर आप देखेंगे, यहाँ पर मैंने टिक करा एडवर्टाइजमेंट पे, एडवर्टाइजमेंट में टिक करते ही मेरे को नोटिफिकेशन मिला, उस पर क्लिक करते ही मुझे यहाँ पर दिखने लग गया ये नोटिफिकेशन आया है, ये नोटिफिकेशन तीसरा है, मतलब स्टेट हेल्थ मिशन, हेल्थ सोसाइटी जो है बिहार में, वो तीसरा रिक्रूटमेंट कर रही है। इसको क्लिक करेंगे तो आपको दिख जाएगा, आप इसको क्लिक करोगे तो अप्लाई करने के लिए बढ़ जाओगे। हालांकि ये लिंक 1 तारीख को एक्टिव होना है, आज से आपके पास अभी भी 3 वीक का समय है, 20 डेज है, ठीक है। तो काफ़ी पहले आपके लिए ले आया मैं इस जानकारी को, आपको बता दूं दोस्तों, स्टेट हेल्थ सोसाइटी बिहार रिक्रूट करेगी, मतलब बिहार गवर्नमेंट स्टेट हेल्थ सोसाइटी में आपको रिक्रूट करेंगे, कह रहे हैं एप्लीकेशन इनवाइट करे जा रहे हैं, कम्युनिटी हेल्थ ऑफिसर पोस्ट पर, कॉन्ट्रैक्ट बेस्ड पोस्ट होगी ये आपकी, ये पोस्ट जाएगी हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर के अंदर, जो कि हेल्थ सब सेंटर है आपके पूरे स्टेट भर में, जो कि किसके अंदर काम कर रहे हैं, नेशनल हेल्थ मिशन के अंदर वो काम कर रहे हैं। कह रहे हैं कि हम आपको इनवाइट कर रहे हैं, ऑनलाइन फॉर्म भरो CHO यानी कम्युनिटी हेल्थ ऑफिसर पोस्ट पर, ये कॉन्ट्रैक्ट बेस्ड पोस्ट है, मतलब कि परमानेंट पोस्ट नहीं है, लेकिन ये पोस्ट का समय भी काफ़ी अच्छा है, लगभग 20 महीने तक आपकी वैकेंसी कन्फर्म्ड है, उसके बाद आपको फिर कोई और वैकेंसी ढूंढनी पड़ेगी। 20 महीने के लिए आप मान सकते हैं ये जॉब आपके लिए रहेगी। इसमें लिखा है, दिस पोस्ट इज़ मीन टू बी लीड द प्राइमरी केयर प्रोवाइडर, मतलब कि आपको करना क्या होगा इस पोस्ट पर, इसमें आपको करना है प्राइमरी केयर प्रोवाइडर टीम में आपको जो है इसके अंदर, दिस पोस्ट इज़ मीन्स टू लीड, आपको लीड करना है प्राइमरी केयर प्रोवाइडर टीम को, आपको लीड करना होगा, कंसिस्टिंग ऑफ, जिसके अंदर टीम कंसिस्टिंग ऑफ फीमेल, जिसके अंदर फीमेल हेल्थ वर्कर और मेल हेल्थ वर्कर्स होंगे, और आशा AAASHA से जुड़े हुए लोग होंगे उसके अंदर, एट हेल्थ सब सेंटर्स पर आपके पूरे स्टेट भर में होंगे, आप उनको लीड करोगे। बेसिकली कम्युनिटी हेल्थ ऑफिसर क्या करेगा, उन लोगों को लीड करेगा जो कि इन पोस्ट पर पहले से ही रिक्रूटमेंट ले रखे हैं, जिन्होंने, आपको करना क्या है, आपको लीड करना है प्राइमरी केयर प्रोवाइडर टीम के साथ, जिसके अंदर फीमेल हेल्थ वर्कर्स होंगे, मेल हेल्थ वर्कर्स और AAASHA से जुड़े हुए लोग होंगे इस स्कीम में, मतलब इस प्रोग्राम में, इसके अंदर हेल्थ मिशन में, तो आपको इसके अंदर उनके साथ जो है मिलकर उसको लीड करना है, उन टीम को आप लीड करोगे, आपका काम ये होगा। और भी इन्होंने आपके जॉब रोल लिखे हैं, मैं आपको बता दूं आपका काम क्या रहेगा, जैसे कि यहाँ पर लिखा हुआ है, इसके अलावा आपको करना क्या है यहाँ पर, एक्सेट्रा
एंड वेलनेस सेंटर पर आपको करना है इम्प्लीमेंटेशन, और आपको पब्लिक हेल्थ प्रोग्राम को इम्प्लीमेंट करना है इन सेंटर्स पर जो कि आप लोगों के हेल्थ सब सेंटर्स हैं। इसके अलावा आप लोगों को एनेबल कॉम्प्रिहेंसिव प्राइमरी हेल्थ केयर सर्विस डिलीवरी से जुड़े हुए काम, इसके अलावा इंक्लूडिंग डिसीज प्रिवेंशन कि भाई बीमारियों से बचो, इसके अलावा हेल्थ प्रमोशन जैसी चीज़ें करनी होंगी, ये सब चीज़ें आपके काम रहेंगी। और इसमें मैं आपको बता देता हूँ, आपको CHO पोस्ट पर जो यहाँ पर रेम्यूनरेशन मिलेगा, बेसिकली पर मंथ काम करने का जो श्रम मिलना है, कर मिलना है, जो कर आपको मिलेगा वो आपको मिलेगा यहाँ पर 40,000 रुपीज़ पर मंथ में। मतलब आप मान के चलो ये इसमें से आपको 32,000 कन्फर्म्ड आपको मिलेंगे, लेकिन ये 8,000 अलग से आपको तभी मिलेंगे इसके अंदर पर मंथ में। अगर आपका परफॉर्मेंस अच्छा रहता है, आप अच्छे से काम कर रहे हैं पूरे महीने में, तो आपको ये 8,000 अलग से होंगे, और ये 32,000 आप लोगों की सैलरी पर मंथ फिक्स्ड है। 32,000 सबको मिलेंगे, यानी 32,000 कन्फर्म्ड है, बाकी के 8,000 उन्हीं को मिलेंगे जो सही से प्रोसेस वाइज काम कर रहे हैं। CHO पोस्ट का नाम है, कम्युनिटी हेल्थ ऑफिसर पोस्ट को कह रहे हैं। टोटल वैकेंसी आपको बता देता हूँ, स्टेट गवर्नमेंट रिजर्वेशन देगी 4,500 में से, जनरल की वैकेंसी एक भी नहीं है, जनरल की महिलाओं की वैकेंसी एक भी नहीं है। मतलब बेसिकली क्या है दोस्तों, इसमें आप लोग अदर स्टेट फॉर्म ही मत भरना, ठीक है, मैं आपको मना ही करूंगा इसके लिए फॉर्म भरने के लिए, क्योंकि इसमें जनरल की वैकेंसी नहीं है, इसमें सिर्फ इकोनॉमिकली बैकवर्ड क्लास की 1,345 है, वहीं पर इकोनॉमिकली बैकवर्ड क्लास महिलाओं की 331 है। वहीं पर अगर कोई मान लो बैकवर्ड क्लासेस में आ रहे हैं अपना, आप देखिए EBC की फुल फॉर्म अलग है, आपको कैटेगरी वाइज समझनी है। देखिए EBC होते हैं एक्सट्रीमली बैकवर्ड क्लास, मतलब स्टेट बिहार में जो लोग एक्सट्रीमली बैकवर्ड क्लास में आ रहे हैं उनकी वैकेंसी ज़्यादा है, और बैकवर्ड एक्सट्रीमली बैकवर्ड क्लास की महिला है तो उनकी वैकेंसी ज़्यादा है। बैकवर्ड क्लास की महिला महिला और पुरुष की वैकेंसी, और SC ST की वैकेंसी आप देख सकते हैं, और EWS की भी देख सकते हैं। मतलब इन्होंने पूरे स्टेट के, पूरे बिहार स्टेट के जनरल को एलिजिबल रखा ही नहीं है इस वैकेंसी पर। मतलब कि ये लोग बिहार के जनरल को भी वैकेंसी नहीं देंगे इसके अंदर, और ना ही बाहर वालों को। मतलब कहना यही है कि जनरल वर्ग वालों के लिए वैकेंसी नहीं है, बेसिकली जो लोग एक्सट्रीमली बैकवर्ड क्लास SC ST इन सब में आ रहे हैं उनके लिए वैकेंसी है, तो आप यहाँ से समझ सकते हैं। तो कहीं ना कहीं साफ साफ ये हो गया कि ऑल इंडिया ये वैकेंसी है, लेकिन ऑल इंडिया वैकेंसी का फायदा ही नहीं है, क्योंकि स्टेट गवर्नमेंट रिजर्वेशन देगी तो वो सिर्फ अपने ही स्टेट के लोगों को देगी, पहला तो ये कंडीशन हो गया। दूसरा इसमें यह हो गया कि अगर आप जनरल से भी फॉर्म डालोगे तो भी कोई फायदा नहीं है, क्योंकि आपको अदर स्टेट जनरल से ही फॉर्म डालने का कोई फायदा नहीं है, क्योंकि आपकी वैकेंसी ही नहीं है, आपके लिए जीरो वैकेंसी है, ठीक है जी। तो मतलब कहना यही है कि ऑल इंडिया लोग फॉर्म तो डाल सकते हैं इन वैकेंसी पर, लेकिन उनको कोई फायदा ही नहीं होगा, उनको वैकेंसी ही नहीं मिलेगी, क्योंकि बिहार के ही लोगों के लिए वैकेंसी आ रखी हैं और रिजर्वेशंस वैकेंसी आई है, यानी कि बिहार के जनरल की भी वैकेंसी इसमें नहीं है, ठीक है। तो टोटल वैकेंसी आप इसको ऐड करोगे तो आपको ये नंबर मिलेगा जो नीचे लिखा हुआ है, 1300 ये हैं, 1200 ये हैं, तो करीबन ये 13 और 12, ये करीब करीब कितने हो जाएंगे, 2500, और ये 700 और 300, ये 3000 करीब हो जाएंगे, तो इसको मिलाएंगे तो टोटल आपके पास नंबर आ जाएगा यही। तो आपकी वैकेंसी कितनी हो गई, 4,500 वैकेंसी है, लेकिन जनरल की वैकेंसी इसमें एक भी नहीं है, ठीक है जी। हाँ, तो ये आपको समझ आना चाहिए, आपकी वैकेंसी इसमें नहीं आई है अभी। इसका मतलब यही है कि सिर्फ बिहार के लोग फॉर्म भरे, वो भी अगर रिजर्वेशन कैटेगरी में है तभी आप फॉर्म भरें, क्योंकि अनरिजर्व के लिए वैकेंसी स्टेट बिहार के लोगों के लिए भी नहीं है। इतना यह समझ आ रहा होगा, कैटेगरी वाइज आप वैकेंसी समझ लेंगे। क्वालिफिकेशन दोस्तों सिंपल है, कैंडिडेट BSc नर्सिंग पास आउट हो, मतलब कि वो बैचलर डिग्री साइंस में नर्सिंग के अंदर पास आउट हो, और उसने जो है कम से कम 6 महीने का जो है एक इंटीग्रेटेड करिकुलम सर्टिफिकेट करा हो, जो कि उसने कम्युनिटी हेल्थ के अंदर किया हो, यानी कि सर्टिफिकेट कम्युनिटी हेल्थ यानी कि CCH में करा हुआ हो, जो कि उसका इंडियन नर्सिंग काउंसिल या फिर स्टेट नर्सिंग काउंसिल द्वारा रिकॉग्नाइज्ड किसी भी इंस्टीट्यूट, किसी भी यूनिवर्सिटी, किसी भी कॉलेज से हो सकता है। याद रखें 2020 और इसके बाद वाले जो पास आउट है BSc नर्सिंग इस फील्ड के अंदर वही फॉर्म डालेंगे, या फिर किसी ने अगर पोस्ट बेसिक BSc नर्सिंग करा है और उसके बाद उसने अगर 6 महीने का CCH करा है तो भी वो फॉर्म भर सकता है, लेकिन ये सब वही होंगे जो 2020 साल में पास आउट हुए हैं या इसके बाद पास आउट हुए हैं, मतलब 2019, 18 और 17 और उसके पीछे वाले लोग एलिजिबल नहीं होंगे इन वैकेंसियों के लिए। अगर आप सेम यही क्वालिफिकेशन रख रहे हैं लेकिन आपके पास क्वालिफिकेशन 2019, 18 और उसके पीछे की है तब, ठीक है। नोट में कुछ पॉइंट लिखा है, देख सकते हैं, ये क्वालिफिकेशन इन्होंने डिटेल में बता दी। देखिए क्वालिफिकेशन समझ आ गई होगी, सैलरी समझ आ गई होगी, वैकेंसियाँ समझ आ गई होंगी, थोड़ा सा हम इसी के अंदर आगे बढ़ लेते हैं। नोट में आपके लिए पॉइंट लिखा है कि मान के चलो यहाँ पर रिक्रूटमेंट बॉडी बिहार स्टेट को लगा, गवर्नमेंट को लगा कि हमें अभी ये वैकेंसी कैंसिल करनी है तो वो कैंसिल कर सकते हैं, उन्हें लगा वैकेंसियों में बढ़ाना है घटाना है कुछ तो घटा
बढ़ा सकते हैं, मान के चलो आगे उनको लगा कि इसको थोड़ा इंक्रीज कर दे वैकेंसी को, तो बढ़ा सकते हैं, घटा भी सकते हैं, या फिर पूरा रिक्रूटमेंट हटा भी सकते हैं। ठीक है जी, ये चीज़ यहाँ पर लिखी हुई है। और जो भी कैंडिडेट यहाँ पर सिलेक्ट होंगे, मतलब देखिए, हु हैव प्रीवियसली बीन पोस्टेड एंड वर्क एज अंडर आर प्रेजेंटली वर्किंग एज इन द स्टेट आर इनएलिजिबल। ठीक है, मतलब अगर आप लोग सेम इसी पोस्ट पर पहले से काम कर रहे हो स्टेट गवर्नमेंट में, सेम इसी पोस्ट पर, तो आप फॉर्म मत भरना ये सोचकर कि यहाँ पर फ़ायदा है आप लोगों को, आप फॉर्म भर देंगे तो आप लोग इनएलिजिबल हो, आप इनएलिजिबल हो अप्लाई करने के लिए। जैसा कि इनकी पॉलिसी है, इनकी जो स्टेट हेल्थ सोसाइटी बिहार यानी कि SHSB बिहार की जो पॉलिसी है आप लोगों की रिक्रूटमेंट की, CHO की, उसके अंदर चैप्टर नंबर 2 में क्लॉज 5 में साफ लिखा है, जो पहले से काम कर रहे होते इस पोस्ट पर वो लोग फॉर्म नहीं भर सकते इफ़ एट एनी स्टेज ऑफ सिलेक्शन। ठीक है, तो वो लोग फॉर्म नहीं भरेंगे जो पहले से इस पोस्ट पर काम कर रहे हैं सेम स्टेट गवर्नमेंट के किसी विभाग में। ठीक है जी, ये लिखा हुआ है। और आफ्टर सक्सेस, जैसे ही लोगों का यहाँ पर सिलेक्शन हो जाए कैप्लिकेंट का, तो अगर वो पाया गया कि वो पहले ऑलरेडी उसने ज्वाइन कर रखा है CHO पोस्ट कर एंड रिजाइन कर दिया, उसने लेफ्ट कर दिया, डिस्चार्ज कर दिया, टर्मिनेट हो गया, या प्रेजेंटली वर्क कर रहा है CHO पे, तो ऐसे उसका कैंडिडेट जो है रिजेक्ट कर देंगे। मतलब दोस्तों ये कह रहे हैं कि साफ साफ, अगर आप CHO पोस्ट पर पहले ही हो स्टेट गवर्नमेंट के किसी विभाग में, तो आप फॉर्म मत भरना, क्योंकि आप लोगों को साफ साफ मना है, आप इनएलिजिबल हो। मतलब बेसिकली पहले से ही CHO पोस्ट किसी के पास है तो वो इस पोस्ट को ना भरे स्टेट बिहार में। ठीक है जी, ये नए लोगों की वैकेंसियां हैं। और ऑनलाइन एप्लीकेशन आप लोगों को भरनी होगी, कंसीडर ऑनलाइन ही फॉर्म कंसीडर होगा, आप लोगों को भरना है ऑनलाइन, 1 अप्रैल से फॉर्म भर सकते हैं। रजिस्ट्रेशन करें, फॉर्म भरें, अपने डॉक्यूमेंट्स डिटेल्स अपलोड करें, फीस पे करें और फॉर्म जमा करके फॉर्म का प्रिंट निकालें। इस तरीके से पूरा प्रोसेस चलेगा, ऑनलाइन फॉर्म भरेंगे सभी लोग। ठीक है, अब आपको बताया तो ऑनलाइन फॉर्म भरने के लिए इसमें एक कंडीशन लिखी है कि आपको 1 अप्रैल से 30 अप्रैल तक फॉर्म भरना है, ये इन्होंने टाइम दे दिया है। आपको बता दूँ ये वैकेंसी है ऑल इंडिया, ऑल इंडिया ही ये वैकेंसी आती हैं, जैसे ये वाली भी है, लेकिन इसमें क्या है दोस्तों, जनरल की वैकेंसी रखी ही नहीं है। अगर 4 वैकेंसी भी रख देते, 2-3 वैकेंसी भी आपकी रख देते जनरल में, तो मैं कह सकता था कि हाँ भाई दिल्ली वाले या पंजाब वाले या कर्नाटका वाले इधर जाके इस वैकेंसी को ले सकते हैं, क्योंकि आपके लिए 2-3 वैकेंसियाँ हैं, तो आप लोगों को जनरल से भी मिल जाएंगी। हालांकि इसमें जनरल की वैकेंसी ही नहीं है, तो इसका मतलब साफ साफ यही है कि बिहार के लोग, वो भी रिजर्वेशन वाले ही इस वैकेंसी को लेंगे, तो ये चीज़ समझ आनी चाहिए आप लोगों को। तो आप अगर बिहार के हो और रिजर्वेशन में हो, तो आपकी वैकेंसियाँ ही हैं सिर्फ इस रिक्रूटमेंट में। ठीक है जी, तो फॉर्म की डेट समझ आ गई होगी। जो भी लोग फॉर्म भरेंगे उनकी एज कैलकुलेशन की बात हो, या फिर फॉर्म भरने वालों की अगर एज कैलकुलेट करनी हो, या फिर उनकी मान के चलो क्वालिफिकेशन देखनी हो, डिग्री सर्टिफिकेट्स की वैलिडिटी प्रूफ करनी हो कि कब तक, कब से वैलिड मानी जाएगी, मतलब कैंडिडेट की क्वालिफिकेशन और डिग्री किस डेट से पहले की मानी जाएगी, तो वो 1 जनवरी 2024 वाले दिन या उसके पीछे की मानी जाएगी। ठीक है, एप्लीकेशन फ़ीस जो आपकी रहेगी, अगर आप जनरल से हो, EWS से हो, तो ₹500 मेल में, फीमेल में 250 है। वहीं SC ST हो और बिहार के ही डोमिसाइल हो, मतलब SC ST और बिहार के ही हो, तो आप लोगों को ₹250 पे करने हैं मेल फीमेल दोनों को ही। ठीक है, बिहार डोमिसाइल, अब देखिए इन्होंने बिहार डोमिसाइल यहाँ लिखा है, ऊपर नहीं लिखा, इसका मतलब यह है इसमें ओपन कैटेगरी वालों की वैकेंसियाँ होती हैं। ठीक है जी, उसके लिए फ़ीस भी इन्होंने लिखी है, लेकिन इन्होंने जनरल के लिए वैकेंसी ही नहीं दी, तो सिंपल सी बात यह हो गई कि आपको भरने ₹500 हैं, अगर आप EWS और बैकवर्ड क्लास और EBC में आ रहे हो, तो आप अपने ₹500 यहाँ पर लगाकर फॉर्म में लगाकर अप्लाई कर सकते हैं ऑनलाइन में। महिलाओं से सिर्फ ₹250 चार्ज होंगे, चाहे वो किसी भी वर्ग से हों। ठीक है, तो ये आपको समझ आ गया होगा। एज लिमिट मैं आपको बताता चलूँ, एज लिमिट 1 जनवरी 2024 में आपको बता दूँ 42 एज मैक्सिमम चाहिए अगर आप जनरल मेल हो, EWS मेल हो, महिला हो तो 45 चाहिए। वहीं आप अपने अपनी एज समझ सकते हैं, मिनिमम एज 21 चाहिए। 10 साल का रिलैक्सेशन डिसेबिलिटी वालों को मिलेगा इसमें अप्लाई करने के लिए। मैक्सिमम एज रिलैक्सेशन 5 साल मिलेगा। अगर आप लोग डिपार्टमेंट के ही कैंडिडेट हो, मतलब इसी विभाग में किसी और पोस्ट पर हो, तो आपको 5 साल एक्स्ट्रा मिल जाएंगे अपर एज में अप्लाई करने के लिए। ठीक है, थोड़ा सा आगे बढ़ूंगा, इंपॉर्टेंट पॉइंट आप लोगों के लिए थोड़ा सा लिखा है, इसको आप देख लेना, यहाँ पर ये आपके लिए काम का रहेगा। ये सारे पॉइंट आप रीड कर सकते हैं, सारे आपके लिए इंपॉर्टेंट रहेंगे जो भी यहाँ पर लिखे हुए हैं, तो इसको आप देख लेना। देखिए इन सब पॉइंटों में एक पॉइंट आपका काम का हो जाता है, जैसे कि आपको दिखाता हूँ थोड़ा सा आगे चल के, जो कि यहाँ पर लिखा हुआ है कि
देखिए रिक्रूटमेंट कैसे होगा मैं आपको बता दूं, आपके जो बीएससी नर्सिंग में आपके जो भी नंबर आए हैं उन्हीं मार्क्स के बिहाफ पर सिलेक्शन होगा, कोई अलग से एग्जाम नहीं होगा ये 4,500 वैकेंसियों पर, ठीक है। दूसरी चीज़ आपको बता देता हूँ, यहाँ पर कैंडिडेट को करना क्या है, यहाँ पर कैंडिडेट को एक बॉन्ड साइन करना है कि वो इस वैकेंसी को 18 महीने कम से कम वो जॉब करेगा इस पोस्ट पर। अगर इससे पहले छोड़ता है तो उससे 2,40,000 रुपये उसके बॉन्ड के, यहाँ पर बिहार स्टेट गवर्नमेंट का जो स्टेट हेल्थ सोसाइटी विभाग है वो आपसे 2,40,000 रुपये चार्ज करेगा, ये कहते हुए कि आपने 18 महीने काम नहीं किया और इससे पहले ही आप 6ठे महीने में या फिर आप ये मान लो कि 7th मंथ में या 8वें या 9वें महीने में ही काम छोड़ दिया, तो आपको इतना रुपया जो है बॉन्ड का देना पड़ेगा और ये आपसे वो ज्वाइनिंग के समय ही करवा लेंगे, ठीक है। जब आप ज्वाइनिंग लोगे ना तभी आपसे बॉन्ड साइन करवा लेंगे कि अगर इसने वैकेंसी छोड़ दी तो हम इससे इतना रुपया चार्ज करेंगे, ठीक है। मेल हो फीमेल हो आपको ध्यान रखना है, बॉन्ड साइन करोगे तो तभी साइन करना जब आप अपने 18 महीने जॉब दे सको इस वैकेंसी पर, तभी इसके लिए फॉर्म डालना, ठीक है। तो ये सारे पॉइंट थे, आपको मैंने बोला बॉन्ड वाला पॉइंट जरूरी था तो मैंने कवर कर दिया, ये सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट रहेंगे आप इसको पढ़ लेना। सिलेक्शन किसी एग्ज़ाम वगैरह नहीं होगा, आपकी बीएससी नर्सिंग के मार्क्स के भी आप पर सिलेक्शन होगा, ठीक है। इसके अलावा आप देखिए यहाँ पर लिखा भी है पोजेसिंग एलिजिबिलिटी एंड गेटिंग शॉर्टलिस्ट फॉर द सिलेक्शन प्रोसेस विल नॉट एंटाइटल द कैंडिडेट फॉर द सिलेक्शन अंडर, ठीक है। फाइनल सिलेक्शन विल डिपेंड ऑन मेरिट एंड कैटेगरी वाइज वैकेंसी अवेलेबल। तो ये एक लास्ट पॉइंट इन्होंने ये लिखा है कि आपका सिलेक्शन जो है वो सिंपल ये कह रहे हैं कि आपकी जो क्वालिफिकेशन में आपके जो भी मार्क्स आए हैं बीएससी नर्सिंग कोर्स के अंदर जो भी आप पढ़ रहे थे उसके मार्क्स के भी आप पर सिलेक्शन होगा। आप ऐसा भी ना माने कि अगर आप क्वालिफिकेशन रख रहे हो तो आपको मिल ही जाएगी वैकेंसी, इतना ध्यान रखे। इसके बाद आपको जो है आपके क्वालिफिकेशन के भी आप पर ये लोग आपके मार्क्स देखकर सिलेक्ट कर लेंगे, उसके बाद ये लोग डीवी भी करेंगे, डॉक्यूमेंट वेरीफाई करेंगे। अगर डीवी में लोग निकल गए, सबके डॉक्यूमेंट सही निकल गए तो उसके बाद लोगों को ज्वाइनिंग मिल जाएगी। याद रखें बिहार के लोग ही फॉर्म भरें, बाहर वाले ना भरें, क्योंकि रिजर्वेशन बिहार वालों के ही हैं, बाहर वालों के हैं नहीं, और यूआई जनरल की वैकेंसी तो आई ही नहीं है इसके अंदर, तो इसीलिए आप सिर्फ बिहार से ही फॉर्म भरें इस वैकेंसी पर। एडिशनल एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर हैं स्टेट हेल्थ सोसाइटी बिहार में, उनके साइन है और ये नोटिस परसों आ गया था, आप देख सकते हो। तो मैंने आपके साथ नोटिफिकेशन डिस्कस कर दिया, 1 अप्रैल 1/4/24 से लेकर 30/4/24 तक फॉर्म भरा जाएगा ऑनलाइन में। तो डेट समझ आ गई आपको, सिलेक्शन प्रोसेस समझ आ गया, एज लिमिट, क्वालिफिकेशन, सैलरी सब कुछ समझ आ गई होगी। कोई डाउट हो जाए तो बता देना और इस वैकेंसी पर अप्लाई कर देना और पूरा वर्ल्ड में शेयर मार्क कर देना, इस वीडियो को पहुँचा देना लोगों तक, कमेंट में बताना कोई भी डाउट आपका हो और सब्सक्राइब वगैरह कर लेना, लाइक अगर लगे सही तो कर लेना। और एक चीज़ ये भी कहूँगा, लोगों तक पहुँचाना है आप लोगों को जगह जगह तक, जिससे कि सभी लोगों को इसके बारे में पता लग सके। चलिए मिल रहे हैं जल्द ही, तब तक के लिए आप सभी का धन्यवाद।